मामला जनपद संभल के थाना नखासा इलाके के हिसामपुर गांव से सामने आया है। दरअसल यहां पर सस्ते गल्ले की दुकान के प्रस्ताव हेतु खुली बैठक का आयोजन हुआ था, जिसमें सैकड़ों लोगों के बैठने हेतु बकायदा टेंट लगाकर व्यवस्था की गई थी। इस बैठक में बतौर अधिकारी स्थानीय ब्लॉक से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद थे, जिसमें मोहम्मद रफी को 534 समर्थकों ने समर्थन दिया। वहीं दूसरा पक्ष मोहम्मद आमिर का था, जिसे 430 समर्थकों ने समर्थन दिया। मोहम्मद आमिर 134 मतों से विजयी रहे। इससे पहले भी 21 जुलाई को प्रस्ताव के लिए भीड़ इकट्ठी की जा चुकी थी, किंतु एक पक्ष के लोग पाल छोड़कर चले गए थे, जिस कारण पिछली बार प्रस्ताव नहीं हो पाया और 30 जुलाई की दिनांक तय कर दी गई थी, जिससे आज प्रस्ताव मोहम्मद आमिर के पक्ष में गया। इनको 534 वोट प्राप्त हुए हैं और दूसरे कैंडिडेट थे हमारे मोहम्मद आमिर, जिनको 430 वोट प्राप्त हुए। कितने कैंडिडेट टोटल है? 3 कैंडिडेट थे, जिसमें से एक कैंडिडेट ने अपना आवेदन वापस ले लिया है, रुबीना जबी ने। 2 कैंडिडेट बीच में चुनाव हुआ है, जिसमें से ये मोहम्मद रजी सनाब बाबू। तो अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। और इसी प्रकार के लेटेस्ट और रोचक खबरों से जुड़े रहने के लिए देखना ना भूलें IDP24 न्यूज़। और हाँ, YouTube में हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें।